लेमिनार स्ट्रीम इज फ्लोइंग वर्टिकली डाउन फ्रॉम अ टैप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 cm² एट अ डिस्टेंस 10 cm बिलो द टैप क्रॉस सेक्शन एरिया द स्ट्रीम हैज रिड्यूस्ड टू हाफ फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द वाटर फ्रॉम द टैप. तो बेसिकली क्या बोल रहा है, ये एक टैप है इस टैप से लिक्विड फ्लो कर रहा है बाहर, ठीक है. टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं, 1 cm दे रखा है. एट अ डिस्टेंस 10 cm बिलो, अब जैसे जैसे नीचे आता जाएगा स्ट्रीम पतली होती जाएगी, तो एच हाइट बिलो जो स्ट्रीम है इसका एरिया ए बाई टू हो गया, reduces to half. तो यहां पर एरिया अगर हाफ हो गया तो अगर यहां से निकलने वाली स्पीड v है तो ये 2v होगी. कैसे पता किया, सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 = a2 v2. अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच बर्नौली थ्योरम लगाऊं तो मुझे ये इक्वेशन लिखनी चाहिए कि यहां से जो फ्लूड निकल रहा है बेसिकली मुझे v चाहिए. उसने बोला वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब मुझे a इंटू वी बताना है. ये तो पता है, v पता लग जाएगा तो बात बन जाएगी. ये कैसे निकालने वाले हैं, तो यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर पहुंचेंगे तो प्रेशर तो पी नॉट ही है, रो जी एच का टर्म जीरो हो गया, इसी को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, प्लस हाफ रो इंटू 2v का स्क्वायर हो गया. तो सॉल्व करते हैं इसको, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल कर लेते हैं. रो फ्लोइंग लिक्विड कौन है, जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बात है, कैंसिल आउट हो जाएगा, रो 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 कैंसिल आउट हो गया. तो जी इंटू एच, जी इज 10, एच का वैल्यू 10 cm है मतलब 0.1. इधर देखिए हाफ 2v² ये 4v² माइनस v² बाय 2, इधर बनेगा 4v² माइनस v² बाय 2, मतलब ये 7v² बाय 2 हो गया. तो ये 1 हो गया, तो v विल कम आउट टू बी रूट 2/7. दिस इज द वॉल्यूम फ्लो रेट, दिस इज द स्पीड जिससे कि फ्लूड बाहर आ रहा है, एंड दिस इज इन मीटर पर सेकेंड. अब वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट निकालेंगे तो दैट विल बी ए इंटू वी. ए कितना दे रखा है, तो ए दे रखा है 1 × 10^2 इसे वाटर ले लिया है, तो इसको 1 × अच्छा ये लीटर में पूछ रहा है, दूसरा ध्यान रखिएगा, एक मीटर क्यूब जो होता है वो 10^6 L होता है, ठीक है. तो ये लिखा हुआ है 1 × 10^-4 मल्टीप्लाइड बाय 2/√7, मतलब m³/s. ये चाह रहा है इसको पर मिनट में कन्वर्ट करना, ये आई बिलीव बन जाएगा 10^6 लिख देते हैं इसको, 10^6 इंटू रूट ओवर 2/7. ये 10^2 बच जाएगा, 100
रूट टू बाय सेवन इंटू 60। तो इट बिकम्स 600 रूट टू बाय रूट सेवन। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। जी का वैल्यू 10 ले लिया है मैंने, एच का वैल्यू 0.1 ले लिया है, 10 सेंटीमीटर। देखिए यहां गलती कर दी ना, 4v² / 2 है, तो ये थ्री वी स्क्वायर बाय टू होगा। तो v का वैल्यू 2/3 मीटर पर सेकेंड होगा। एक चीज तो ये गड़बड़ हो गई थी, फिर से चेक कर लेते हैं। पर 5 आएगा ना, नहीं सही तो है, 3 तो आएगा। v का वैल्यू √2/3 मीटर पर सेकेंड आया और ये बन गया 1 cm². ये गलती तो ये है। अच्छा दूसरी गलती, ये गड़बड़ कर दिया ना, डेटा गलत पुट कर रहे हैं। 1 m³ तो 10³ होता है, बाप रे। नहीं कर लेते हैं, देखिए फटाफट। ये बन जाएगा 10^-4 - 1, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2/3 × 60 लीटर पर मिनट। एक कैंसिल आउट हो गया, तो इट दिस बिकम्स 6 बन जाएगा 2√6 लीटर पर मिनट। √6 2 से थोड़ा सा बड़ा है, राइट? तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को थोड़े से बड़े टर्म से, तो वो अपने आप 4.9। बेस्ट पॉसिबल आंसर ये बन रहा है, ए ऑप्शन।